भाई, आज है 1 अक्टूबर, स्विट्जरलैंड में हो रहा है सैटरडे, हर जगह सैटरडे हो रहा है वैसे तो, और आज हम जा रहे हैं ज़ूरिक, और इसके लिए अभी हम निकल रहे हैं, हमारी ट्रेन है 12:35 पे लुजन से, और लकीली हमें सुपर सेवर टिकट मिल गई है, जो टिकट 30 फ्रैंक की होती है आने जाने की, अब वो हमें 20 फ्रैंक में मिल गई है आने जाने की, सो वी सेव 10 फ्रैंक्स, और 10 फ्रैंक मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 रुपये कुछ होता है, उससे कम ही होता है वैसे, लेकिन तो वो हमें फ़ायदा हो गया यार। और आज बारिश भी हो रही है, ठंड भी है, तो लेट्स सी कैसे जाएगा। पहले ने रूम बंद कर लिया है और हम ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, वेटिंग फॉर अवंती का रिप्लाई। क्या वो रिप्लाई देंगी? काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है आज हमारी ज़ूरिक की, और मैं तो बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ ज़ूरिक। लुजन की ट्रेन, लुजन सीट मेरा भाई, इधर बैठ सकते हैं। आज का मौसम सुहाना है, ठंडा है, बारिश नहीं है, और ये टिकट चेक हो रही है हमारी, तो टिकट निकालनी पड़ेगी, ये हमारी टिकट, और ये स्कैनिंग से यस, थैंक यू। और ये ट्रेन का दरवाजा खुल चुका है फॉर सेकंड क्लास। ये हमें कितने में बचेगी? 1 घंटा 50 मिनट है हमारे पास। This is IR75 ना? ट्रेन में हम जा रहे हैं ऊपर ताकि ऊपर से देख सके नजारे, और सोफा भी है। You don't have that charger or something? ओ भाई, ये तो सही लग रही है, एकदम एरोप्लेन जैसी फीलिंग आ रही है। तुम्हारी ट्रेन चल गई है, चलना शुरू कर दी है, और जल्दी हम स्विट्जरलैंड के नज़ारे देखना शुरू कर देंगे। ट्रेन में पता नहीं चलता है कि हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बड़ी शांति से चल रही है, और हम ऊपर वाले फ्लोर पर बैठे हैं। I know. Time उसमें नहीं होता ना।
नोटिफिकेशन आने वाला है और 2 मिनट रह गए हैं, तो 2 मिनट बाद हम लोग ज़ूरिक में लैंड कर जाएंगे। लैंड अब हम प्रोबेबली एक इंडियन शॉप पे जा रहे हैं जिसका नाम है अग्रवाल, जिसकी 3 ब्रांचेज है स्विट्जरलैंड के अंदर, एक ज़ूरिक में, एक बर्न में है और एक मुझे ही नहीं पता कहाँ पे है, नेट पे देख लेना। कहने का मतलब है कि हम उल्टा गए। अब हम उल्टा आ गए हैं तो वापस जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं इंडियन स्टोर की तरफ और बारिश शुरू हो सकती है कभी भी, और यहाँ बारिश होके रखी है क्योंकि सड़कें गीली हैं। ज़ूरिक में हो रही है बारिश और हम लोग जा रहे हैं एक इंडियन स्टोर। किधर जाना है? तो जननी हमारी गाइड है, रवंतिका को साथी। हाँ यही है, मिल गया। और हमें फाइनली हमारा स्टोर मिल गया है जहाँ पे हम पता करना चाह रहे हैं कि क्या क्या दाम रहने वाले हैं। ओके, वेजिटेरियन टेक अवे मील। ठीक है, कितनी? हाँ ले सकते हैं, 2 लोगों की बन जाती है ना घर में। 3.5 की दाल मखनी मैं ये तो ले लूँगी, ये दोनों भी है, ये बड़ी काम की होगी। और ये बिस्किट्स भी हैं। पर यहाँ की इतनी एक्साइटमेंट नहीं हो रही क्योंकि हम एक इंडियन शॉप में पहले ही होके आ रखे हैं, तो वो एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो गई है। क्या है इधर? ये वाला बड़ा वाला 7.5। वहाँ पे बड़ा वाला कितने का था? इतना बड़ा थोड़ा था, लेकिन वो ये 7.5 का इतना बड़ा। मिल्क मेड जरूर है, नेस्ले कंडेंस्ड 4.5, और यहाँ आटे भी हैं, पीनट बटर है, ये सब है, मीट है, यहाँ दाल मखनी है। यार दाल मखनी वर्थ तो होगी ना लेने की। समोसे कितने रुपए के हैं? ढोकला भी है 3.5 फ्रैंक का। पराठे हैं, कुलचे हैं, भाई साहब हल्दीराम का है, सब कुछ है। सोया चाप, मोमोज भी हैं, पाव भाजी मसाले 2.5 के सारे मसाले। कॉफी पे चर्चा।
कोल्ड ड्रिंक पेप्सी टेप्सी सब है इधर, आटा भी है 16.9 उतना का ही आटा है, चावल भी है इधर। तो हमने सामान ले लिया और मैंने लिए भुजिया के पैकेट और पाव भाजी मसाला और फाइनली हम जा रहे हैं स्टोर से क्योंकि यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश और अब हमें जाना है म्यूज़ियम की साइड क्योंकि आज हम विज़िट करेंगे म्यूज़ियम ऑफ यूरोपियन आर्ट्स।